अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस के ऊपर हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। ये हमने वर्डप्रेस अपना लॉगिन कर लिया, वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड है। ठीक है, अब हमने जो प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम आएंगे प्रोडक्ट्स की, देखो आप कहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐड न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी है येलो स्टोन की, वहाँ पर कैटेगरी है। इस कैटेगरी के हमने सारी प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है। किसके अंदर है? जी डैट के अंदर। सबसे पहले ये मैं वेबसाइट, ये एक प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो इसमें इसमें क्या मिस्टेक है, यूआरएल में कैपिटल वर्ड यूज़ हो रहे हैं। कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करना है, यूआरएल के अंदर सारे वर्ड स्मॉल होंगे। ये देखो यहाँ पे टाइटल भी कैपिटल यूज़ हो रहा है, ये आपने सेट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं फिलहाल मैं सेट नहीं करना। इधर आप जैसा टाइटल लिखोगे आपके यूआरएल भी वैसे ही क्रिएट होगा। ठीक है, टाइटल आ गया इधर। सेकेंड, इसके बाद आपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कॉपी करनी है आपने इसी प्रोडक्ट की। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लगा दी। ठीक है, मजीद आप नीचे आओगे, आपने इमेजेस लगानी है आपने। ठीक है, इमेजेस को मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, इमेजेस को आपने इसी के नाम से सेव करना है ताकि याद रहे कि कौन सी इमेज आपने रखी है। फिलहाल मैं इसको डी ड्राइव में डाल देता हूँ। एक इमेज ये हो गई और सेकंड इमेज और देन थर्ड इमेज प्रोडक्ट के नाम से आपने टू लगा देना। ठीक है, ये हमने इमेजेस सेव कर लिया। अब इमेजेस हमने अपलोड करनी है। कैसे अपलोड करेंगे, आप आ जाओ यहाँ पर। ये सर दो तरह की इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स की इमेजेस मिलेंगी, एक इमेज और दूसरा गैलरी। अच्छा, इमेज क्या होता है, ये जो पहली इमेज आती है ना, फर्स्ट इमेज जो आती है, जो हमें वेबसाइट के ऊपर नज़र आती है, यहाँ पर जो वेबसाइट ये नज़र आ रही है, ये होती है प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर आएगी। राइट, ओपन कर दूँ, तीनों इमेज मैंने अपलोड कर दी। अब इसमें से जो इमेज मैं चाहता हूँ कि मेरे डिस्प्ले पे शो हो, उसको मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर दूंगा। जो इमेज सबसे अच्छी होगी उसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा फोकस हो रही है इसके अंदर प्रोडक्ट। और ऑल टैग के अंदर आपने क्या रखना है, अपनी प्रोडक्ट का नाम आपने रखना है ऑल टैग के अंदर। ठीक है, ये मैंने इधर सेट कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट पर मैं इन दोनों को चेक लगा दूँ। दोनों पर मैंने चेक लगा दिया, ऐड टू गैलरी कर दिया। ये यहाँ पर गैलरी में ऐड हो गई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप आओगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है वेरिएबल प्रोडक्ट है। वेरिएबल प्रोडक्ट से मुराद ये है कि वैरायटी है उसकी, वो है साइजेस है उसके अंदर, वेरिएशन है उसके अंदर, वेरिएबल। ठीक है, कभी अगर आप भूल जाओ यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तो आप ये वीडियो देख सकते हो, दूसरा ये है कि आप अपनी कोई दूसरी प्रोडक्ट के अंदर को आप एडिट कर लो, वो ऑलरेडी अपडेट होगी उसके अंदर, उसको देख देख के आप अपडेट करना शुरू करो। एक दो का आपको प्रॉब्लम होगी देन आप सीख जाओगे। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट रखा हमने इधर। इसके बाद यहाँ पे आ गया मैनेज स्टॉक। ठीक है, मैनेज स्टॉक के मैंने चेक लगाया, ये मज़ीद नीचे चीज़ ओपन होगी। यहाँ पे बोल रहा है स्टॉक क्वांटिटी कितनी है, हमें 100 रखनी, 100 रख दी। सेकेंड है हमारे पास डोंट अलाउ और देन, ठीक है, इसका ऐसे है शिपिंग हमने कुछ नहीं डालनी, लिंक प्रोडक्ट छोड़ दो आप। एट्रीब्यूट्स हमने सेट करने हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हमने कौन कौन से सेट करने हैं, हमने सेट करने हैं साइजेस के एट्रीब्यूट एड सेलेक्ट ऑल, जितने भी साइजेस थे वो हमने इसके अंदर सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, यूज वेरिएशन सेव एट्रीब्यूट ये होगा। एड वेरिएशन भी आ गई हमारे पास, ये देखें आप यहाँ पर ये वेरिएशन इसकी अपडेट हुई है। इससे एक हम यहाँ पर अपनी वेरिएशन ऐड करेंगे। एनी साइज, साइज सबसे पहले आ जाएगा कौन सा, एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है,
इसको फिलहाल मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, इसको हम रखेंगे इस पे क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट, देन हम इसको कर देंगे गो। ओके, 10 वेरिएशन एडिट, इसने यहाँ पे हमें सारी वेरिएशन दे दी। कौन कौन सी वेरिएशन दी हैं, एनी साइज को आप हटा दो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL और देन कस्टम। अब इसकी के अंदर हमने इसका प्राइस सेट करना है। इसका प्राइस हमने रखना है, कॉटन जैकेट है तो 69.9 रखते हैं। सर रेगुलर प्राइस हम कर देते हैं इसका, फॉर एग्जांपल $100, सेल प्राइस हम कर देते हैं 69.99। ठीक है, इसको मैं कॉपी वाले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कस्टम, अच्छा कस्टम का और इन लोगों का प्राइस हमने ज़्यादा रखना है। ठीक है, रेगुलर प्राइस इसका आप रख लो 119.99 और इधर आप कर दो 89.99। अभी ये न्यास नॉर्मल प्राइस रखेंगे अपना, यहाँ पर आप रख दो 99.99 रेगुलर प्राइस और देन सेल प्राइस के अंदर हम देते हैं 69.99। कॉपी की आवाज़ ये सबके अंदर पहले मैं एक ही दफ़ा में इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया देन 69.99। मैंने कहाँ तक अपडेट कर दिया था, अपडेट हो गया 89 अपडेट है, 89 अपडेट है और देन यहाँ पर 69 और स्मॉल और देन यहाँ पर भी 59। ठीक है, ये सारे हो गए। अब हमने क्या कर दिया, वेरिएशन हमने ऐड कर दिए, इमेजेस हमने सेट कर दिए हैं और इसको कर देंगे अपडेट। टाइटल फर्स्ट वर्ड सिर्फ कैपिटल होगा, अभी सारे वर्ड स्मॉल होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली सही URL बनाया है, सारे वर्ड इसने URL में स्मॉल रखे हैं, लेकिन टाइटल में हमने सारे वर्ड कैपिटल नहीं रखने हैं, हमने सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखना है। कहीं पर अगर ऐसी मिस्टेक आपको नज़र आती है तो आपने उसको सही करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर देना आपने। ये आगे हमारे पास प्रोडक्ट जो हमने अपलोड करी है, तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, इसके आगे 89.99 और देन सेल प्राइस आ गया इसका, मतलब ये वेरिएशन बता रहा है कि लाइक 69 से लेके 89 के दरमियान की हमारी ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर आप आ जाओ, इसके चेक कर लो, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, 2XL, 3XL, 4, 5 एंड देन कस्टम। ये हो गया हमारे पास, ये हमारी एक प्रोडक्ट अपलोड हो गई, सिंपल। इसके अंदर कुछ मुश्किल है तो बता दो।